सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आपका ये बेटा कितने दिनों से गायब है? 3 दिन से इंस्पेक्टर साहब। इस दरमियान कोई धमकी भरा फोन या एक्सटॉर्शन के लिए कुछ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तक कुछ भी नहीं। किसी पर शक आपको? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरा राहुल किस हाल में होगा। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम सुनील है, मैं मिस्टर शर्मा का पड़ोसी हूँ। मिस्टर शर्मा इतने सीधे हैं कि वो पुलिस स्टेशन आने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, भला मेरे बेटे को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा, कहाँ से दूंगा मैं उन्हें फिरौती की रकम। ठीक है मिस्टर शर्मा, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द खोज निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा कोऑपरेशन आपका भी चाहिए। इस दरमियान अगर किडनैपर का कोई कॉल आपके पास आता है तो आप हमें इत्तला जरूर कीजिए। बस मेरे बच्चे की जिंदगी आप ही के हाथ में है। सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए, नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मेरा काम कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कोई खास पर्टिकुलर पेंटिंग आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? कौन सी वाली अच्छी लग रही है? ये वाले? अच्छा 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 अच्छा। हाँ बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, ये तो अच्छी पेंटिंग है। You got a good choice. तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? मुझे देख के आपके चेहरे का रंग क्यों सूख गया भाई साहब? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ, देखा तारिक साहब का एग्जीबिशन चल रहा है। तू जानता है तू मुझे नौकरी से निकलवा सकता है अगर तुझे ताहिर साहब ने यहाँ पे मेरे साथ देख लिया तो? खुदा तो नहीं है ना, बुढ़ा खुदा है। नहीं इस वक्त मुझे डरता क्यों उससे? मुझे ऐसी कोई बहस नहीं करनी है तुझसे, तू इस वक्त जा यहाँ से, जा तू यहाँ से जा। मैं ताहिर साहब को मुबारकबाद दूंगा। तू बिलावजह क्यों मुसीबत मोल लेना चाह रहा है मेरे भाई? ताहिर साहब को अगर पता लग गया वो अपना कापा खो देंगे, तेरे को गाली गलौज देंगे वो। हाँ तो मैं मिलूंगा तेरे से, कहीं और मिलूंगा, तू जा। मेहमानों को तो उस तरह देखो। शुक्रिया शुक्रिया। मैं ये वाली पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ, रियल पीस ऑफ आर्ट। ये पेंटिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है। अरे भाई उस्मान सर, मोहतरमा का एड्रेस नोट कर लो और कल ये पेंटिंग इनके घर पहुंचवा दे। यस सर। ताहिर साहब मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जादू है आपके हाथों में, बेजान कैनवस पर रंगों का जो जीता जागता करिश्मा आप करते हैं वो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। अरे हुजूर, ये तो आप जैसे लोग हैं जो जरा नवाजी कर देते हैं, वरना असली जादूगर तो ऊपर वाला है खुदा जो बंदों को बनाता है। क्या बात कही है।
साहब क्या हुआ साहब वो मेरे राजू है, उसका दोस्त जोजो के साथ। साहब क्या बकवास कर रहा है? नहीं साहब प्लीज साहब, आप नहीं जानते साहब, ताहिर साहब जानते हैं, उन्होंने ही तो पेंडिंग बनाई है, मैं उनको भी मिल के आता हूँ। साहब बाबू साहब प्लीज, अभी अभी साहब बायर्स के साथ बिजी हैं, मैं बाद में बात करूंगा। तू कोल्ड ड्रिंक लेके आ, तू मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ। ये सिक्किम का कल्चर है, वहां का स्टाइल। बाबू पकड़ो उसको, कोई चोर पकड़ो उसको एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? साहब मेरा नाम बाबू राव है, मैं प्रिंस आर्ट गैलरी के कैंटीन में एक वेटर हूँ साहब। और साहब वहाँ पर आजकल मशहूर पेंटर ताहिर खान साहब की पेंटिंग्स की नुमाइश चल रही है साहब। और ये पेंटिंग उसने वहाँ से चुराई है साहब? ये सच बोल रहा है? हाँ साहब, क्योंकि इस तस्वीर में मेरा बेटा राजू है, उसके दोस्त जोजो के साथ स्कूल से लौटते समय दोनों एक साथ गायब हो गए थे। 3 बरस हो गए साहब, बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन साहब कुछ पता नहीं चला। 3 साल पहले और ये तस्वीर आपने आज देखी? हाँ साहब, आप मेरी मदद करेंगे साहब? ताहिर खान साहब जरूर मेरे बेटे के बारे में कुछ जानते होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बाबूराव, ये तस्वीर उन्होंने आपके बेटे के गायब होने से पहले बनाई है। साहब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं या मेरा बेटा राजू आज तक कभी भी ताहिर खान साहब से मिले ही नहीं, और अगर ये तस्वीर उन्होंने मेरे बेटे के गायब होने से पहले बनाई होती तो इसकी जानकारी तो मुझे पहले जरूर हो जाती सर। अच्छा ये बताओ बाबूराव कि तुम्हारा बेटा गायब कब हुआ था, तुम्हें वो तारीख याद है? उस मनोज दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ साहब, 23 जुलाई 1997 की बात है। तेईस जुलाई 1997, ये तस्वीर भी तो उसी दिन बनाई गई। साहब आप मेरी मदद कीजिए साहब, आप ताहिर खान साहब से पूछताछ कीजिए, वो जरूर मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे साहब। जाओ तुम लोग जाओ। बाबूराव मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, बाबूराव तुम्हारे बेटे को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। शुक्रिया साहब, चलो मेरे साथ। बाबूराव जब तुम्हारा बच्चा गायब हुआ था तो तुम्हें कोई फिरौती का फोन आया था, कोई धमकी शमकी का? नहीं साहब, रुपये पैसे के लिए कोई क्यों मुझे गरीब का बेटा उठाएगा? इसका ये मतलब हुआ श्रीवास्तव कि ये केस उन अनसुलझे केसेस की तरह हैं जिसमें 10-12 साल के बच्चे गायब कर लिए जाते हैं, जिसमें फिरौती का फोन भी नहीं आता, उन बच्चों की आज तक खबर भी नहीं, और ज्यादातर ये बच्चे मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली के होते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। यू आर राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही एक केस आज सुबह हमारे पास भी आया है। इंस्पेक्टर भारत यहाँ?
आइए इंस्पेक्टर। आपकी तारीफ। उस्मान रिजवी है मेरा नाम, मैं ताहिर साहब का असिस्टेंट हूँ। उस्मान रिजवी जी, ताहिर साहब कहाँ मिलेंगे बताइए। वो तो घर चले गए ना, एग्जीबिशन का टाइम 4:30 बजे तक था, मैं भी बस जाने वाला था। वैसे आप मुझे बता सकते हैं आपको ताहिर साहब से क्या काम था? मुझे एक खास पेंटिंग के बारे में उनसे बात करनी थी। आप वो उस पेंटिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ का चाय वाला बाबूराव लेके भागा था? जी हाँ, मैं उसी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पेंटिंग और वो बाबूराव दोनों हमारे पास। देखिए, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ताहिर साहब ने क्या उस पेंटिंग के गायब होने की इत्तला पुलिस में दी थी? मुझे कहा था ना उन्होंने, मैं जा ही रहा था बस, अभी पुलिस स्टेशन जा रहा था मैं। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो 70,000 रुपये की पेंटिंग है। अच्छा कि आपने उसको पकड़ लिया। हमने उसे पकड़ा नहीं मिस्टर उस्मान रिजवी, वो खुद हमारे पास चल के आया। समझा नहीं, लेकिन अच्छा है, वो आप पेंटिंग मुझे दे देंगे? वो पेंटिंग हमारे पास महफूज है, मैं आपको वो पेंटिंग नहीं दे सकता। मैं ताहिर साहब से बात करना चाहता हूँ, पेंटिंग मैं उन्हीं को दूंगा। आप मुझे उनका एड्रेस बताइए। ताहिर साहब आपसे मिलने के लिए कोई इंस्पेक्टर भारत आए हुए हैं। इंस्पेक्टर भारत? बैठाओ, मैं आता हूँ। जी सर। बस 5 मिनट सर, ताहिर साहब फ्री होते ही आप लोगों से मिलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? जी बॉबी भट्ट। काम क्या करते हो? सर मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, ताहिर साहब के लिए मॉडल ऑर्गेनाइज करता हूँ। कितने सालों से काम कर रहे हो ताहिर साहब के साथ? ये तकरीबन साल भर से। आज का सेशन कंप्लीट हो गया, कम ऑन लेट्स मेक अ मूव। ओके ओके सर। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को काफी जहमत उठानी पड़ी मेरी खातिर। शहर की पुलिस इतनी मुस्तैद हो गई है, इसकी तो मुझे खबर ही नहीं थी। भाई चंद घंटों में न सिर्फ आपने हमारी तस्वीर बरामद की, बल्कि रंगे हाथों चोर को भी पकड़ लिया। यह आदमी चोर नहीं है ताहिर साहब। तो फिर हमारी कला का कदरदान होगा, और वो भी इतना बड़ा कदरदान कि हमारी तस्वीर खरीद तो सका नहीं, इसलिए उठा के ले गया। बात वो नहीं है ताहिर साहब, बात दरअसल ये है कि इस पेंटिंग में ये दो बच्चे जो हैं, इसमें से एक बच्चा इस आदमी का बेटा है। ओह, तो ये बात है। क्या मेरे कोऑर्डिनेटर ने आपको इसके पैसे नहीं दिए? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पेंटिंग तो मैंने आज से 3 साल पहले बनाई थी। जी हाँ ताहिर साहब, लेकिन जिस दिन आपने ये पेंटिंग बनाई, उसी दिन से ये बच्चे गायब हैं। इस पेंटिंग को बने तकरीबन 3 साल हो गए, और आज तक इन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। बहुत अफसोस की बात है इंस्पेक्टर साहब। खैर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई साहब, इस पेंटिंग से और इस पेंटिंग पे लिखी है तारीख से, ये तो साफ जाहिर है कि इन बच्चों से आखिरी बार आप मिले थे। ये बच्चे आपको मिले कहाँ था साहब? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन बच्चों को जरूर मेरा मॉडल कोऑर्डिनेटर लेकर आया। जी, अब ये बच्चे उसे कहाँ मिले, वो इन्हें कहाँ से लेके आया, ये तो वही जानता है इंस्पेक्टर साहब। और फिर एक बार मेरी पेंटिंग मुकम्मल हो गई, उसके बाद ये बच्चे कहाँ गायब हो गए,
इसके बारे में भी शायद वही मॉडल कोऑर्डिनेटर यानी वो बॉबी जो अभी अभी यहाँ से गया है। बॉबी नहीं, 3 साल पहले मेरे यहाँ सुनील दीवान काम किया करता था। तकरीबन 1 साल पहले उसका मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। यानी आपका ये मतलब है कि इन बच्चों के बारे में सुनील को जानकारी होगी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। दरअसल ये सुनील हमें कहाँ मिल सकता है? ना इंस्पेक्टर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि उसका कोई ऑफिस तो नहीं है। वो ऑपरेट करता था अपने घर से और हर 11 महीने के बाद वो घर बदली कर देता था। कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा? दरअसल जिस आदमी से मैं नफरत करता हूँ उससे मैं कोई ताल्लुक रखता नहीं। ऐसी दरअसल एक बात पूछ सकता हूँ, इस आदमी को आप इतना नापसंद क्यों करते हैं? इसलिए कि वह एक नहायत खटिया किस्म का आदमी था, बेहद खटिया किस्म का। जस्ट इमेजिन, मुझसे वो हर मॉडल के लिए 5,000 रुपए लिया करता था और शायद मॉडल के पास 2,000 ही पहुंचते होंगे। उसके ऊपर भी वो एक्स्ट्रा कमीशन काट लेता था। कोई तो रास्ता होगा ताई साहब, कुछ तो बताइए, कुछ क्लू दीजिए कि आदमी हमें कहाँ मिल सकता है, कहीं से कोई पता मिल सकता है उसका, कुछ आइडिया दीजिए ना। पता आप चाय लीजिए। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, चाय से याद आया, जब सुनील यहाँ आया जाया करता था तो यहाँ के बजाय ज्यादा समय वो चाय वाले की दुकान पर गुजारा करता था। शायद उसका पता चाय वाले की दुकान से मिल सके। अंशर, वो चाय वाला उसके बारे में जरूर कुछ जानता होगा। ये वो शर्मा है ना? नो थैंक यू। ठीक है दाई साहब, चलता हूँ मैं, ये पेंटिंग यहीं छोड़े जा रहा हूँ, आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा। श्योर, वाई नॉट, थैंक यू वेरी मच। हेलो, कौन? देखो देखो, अगर पुलिस यहाँ पहुंची तो मैं सब कुछ बता दूंगा, पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। और मैं अकेला नहीं फंसूंगा, मैं सबके नाम बता दूंगा, सबके नाम। देखो देखो, किसी भी कीमत पर पुलिस यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। सुनील दीवान का पता मेरा लड़का अच्छी तरह से जानता है, 6 महीने से चक्कर लगा रहा है, 700 रुपया बाकी है। कहाँ है आपका छोकरा? इधर ही चाय देने को गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आप चाय पियेंगे साहब? नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। आपका छोकरा? हाँ आ गया। शंकर, साहब को सुनील का पता बता दे। हेलो, हाँ सुनील बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं? ओके ठीक है। इसमें कौन हो सकता है?
श्रीवास्तव फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लेके जाने का बंदोबस्त करो। यस सर। तब तक मैं हमारे ऑनरेबल पेंटर मिस्टर ताहिर खान से एक मुलाकात करके आता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझ जैसे नामी कलाकार पर यह इल्जाम लगाकर आप अच्छा नहीं कर रहे। आप सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारी कलाकार कौम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गुस्साखी की माफी चाहता हूं ताहिर साहब। बात दरअसल यह है ताहिर साहब कि मैं आप जैसे जहीन कलाकार की तहे दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन हैरत मुझे इस बात का है कि आपने उस दिन कहा कि आप सुनील को नापसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसका पता भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप उसके घर गए। उसके घर से मुझे ये सिगार का टुकड़ा मिला है, ये सुराग मुझे आप पर शक करने पे मजबूर करता है। इस तरह के सिगार पीने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं इंस्पेक्टर, मैं इकलौता शख्स नहीं हूं। मैं जानता था कि मुझे यही जवाब मिलेगा, लेकिन सुनील को भी जानने वाला और इस किस्म का सिगार भी पीने वाला एक ही शख्स हो सकता है, और वो आप हैं। तार साहब, आप ये बताएंगे कि जब मैं नीचे चाय वाले के पास गया था तो आप थोड़े अरसे के लिए बाहर गए थे, क्या मैं आपसे ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आप उस दौरान कहां गए थे? इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता इंस्पेक्टर। ठीक है ताहिर साहब, मैं आपको जवाब देने पे मजबूर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन बच्चों का गायब होना, उस तस्वीर का और सुनील का कत्ल, इन तीनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक जरूर है। सिगार के चंद टुकड़ों से आप मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। ताहिर साहब, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपकी ये दलीलें भी आपको मासूम साबित नहीं कर सकती। मेरी इल्तिजा है आपसे कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़कर बाहर न जाएं। चलता हूं मैं। क्या सोच रहे हैं सर? मैं ये सोच रहा हूं श्रीवास्तव, दो बच्चों का गायब होना और सुनील का कत्ल, इस सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। आपका मतलब ताहिर खान से है? नहीं श्रीवास्तव। लेकिन क्यों सर? इतने साल पुलिस में नौकरी करने के बाद
इतना तो मैं भांप ही लेता हूं कि ये शख्स गुनहगार है या नहीं। ये बात और है कि कभी कभी सच्चाई उगलवाने के लिए थोड़ा सा कड़क बर्ताव करना पड़ता है, जो मैंने इनके साथ किया। लेकिन नहीं, ये वो शख्स नहीं है श्रीवास्तव। हो सकता है सर, लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं वो तमाम सबूत ताहिर खान के खिलाफ हैं। सबूत खिलाफ हैं श्रीवास्तव, सबूत तो पैदा भी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि ताहिर खान को इस कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर? सुनील के घर से मिला हुआ सिगार का टुकड़ा। और ये है उस टुकड़े के फिल्टर के अंदर का पार्ट जो सुनील के घर में प्लांट किया गया था श्रीवास्तव। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं तुम्हें समझाता हूं श्रीवास्तव। ये दोनों में कुछ फर्क महसूस कर रहे हो तुम? ये वो तीन सिगार के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के फिल्टर के अंदर का पार्ट रादर, जो मैंने ताहिर खान साहब के घर से उठाया था। इंसान जब सिगार पीता है तो उसके निकोटीन से उसके फिल्टर के अंदर का हिस्सा यूं चॉकलेटी हो जाता है, जबकि ये फिल्टर का टुकड़ा बिल्कुल सफेद है, अंदर से बिल्कुल क्लीन है। इसके मायने क्या हुए कि किसी ने सिगार को आधा तोड़कर उसे जलाकर वो टुकड़ा वहां पर फेंक दिया, ताकि पूरा का पूरा शक ताहिर साहब पे चला जाए। श्रीवास्तव, अगर ताहिर साहब सुनील के घर में गए थे तो क्या जरूरत थी उन्हें ये सिगरेट का टुकड़ा वहां पर छोड़ने? अगर वो वाकई में कातिल हैं तो इस तरह की बेहुदा गलती कभी नहीं करेंगे। साफ जाहिर है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? यही तो मेरा काम है श्रीवास्तव, मैं इसका पता लगाऊंगा कि वो कौन हो सकता। वो शख्स आप तीनों में से कोई एक है, आप तीनों में से कोई एक जिसने सुनील दीवान का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करने से साफ इनकार कर दूं। आप ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते ताहिर साहब, क्योंकि इस बार मैं आपके पास एक ठोस सबूत लेकर आया हूं। सबूत? कैसा सबूत? मुझे मिस्टर सुनील दीवान के घर से एक जेंट्स पर्स मिला है। आपका पर्स तो आपकी जेब में मौजूद है ना मिस्टर उस्मान रिजवी? आप
क्या बेहूदगी है? माफ कीजिएगा ताहिर साहब, लेकिन मुझे सुनील के घर में कोई जेंट्स पर्स नहीं मिला। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। इसकी दाढ़ी में तिनका है। इसने सुनील का कत्ल किया और आपको फंसाने की कोशिश की है ताहिर साहब। बोल बोल, यहां सच बोलेगा या थर्ड डिग्री के बाद ससुराल चलने के बाद सच बोलेगा? बोल। दुश्मन जवाब क्यों नहीं देते? ये ऐसे जवाब नहीं देगा ताहिर साहब। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं उस्मान भाई। मुझे पता है कि बाबूराव के बच्चों को तुमने गायब किया और सुनील का कत्ल तुमने किया। बता बता, बाबूराव के बच्चों को तुमने गायब क्यों किया और सुनील का कत्ल तुमने किया? क्या बता, सच बोल। मैंने मारा सुनील को, सुनील को मैंने मारा। क्यों मारा? सुनील को मैंने मारा था क्योंकि सुनील और मैं, हम दोनों मिलकर बच्चों को गायब करने का काम करते थे। कल जब बाबूराव ने पेंटिंग में अपने बच्चे को पहचान लिया और आप लोगों ने उसके बच्चे की तलाश करना शुरू कर दी, तो मैं डर गया कि आप लोग सुनील तक ना पहुंच जाएं और सुनील डर कर सारी सच्चाई बयान ना कर दे। इसलिए मैंने आप लोगों के ताहिर के घर से निकलने से लेकर सुनील के घर तक पहुंचने तक के दरमियान सुनील का खून कर दिया और सिगार वहां पे प्लांट कर दिया। दरअसल राजू और जोजो को अगवा करने वाला सुनील ही था। उसने फुसलाकर ताहिर साहब के सामने बच्चों को पेश किया ताकि ताहिर साहब जो पेंटिंग बनाए उससे भी रुपया कमाया जा सके और हम लोग अपने असली मकसद में भी कामयाब हो सके। क्या था तुम्हारा असली मकसद? क्यों गायब करते थे तुम और सुनील वो बच्चे? राजू और जोजो कहाँ हैं? राजू और जोजो को हमने मुल्क से बाहर भेज दिया। दरअसल हम एक ऐसे गैंग के लिए काम करते थे जो बच्चों को चुराकर दूसरे मुल्क भेजता है और इसके लिए हमें बहुत बड़ी रकम मिलती है और दूसरे मुल्क वाले इन बच्चों को ऊँट की रेस के काम में लेते हैं। बच्चों को ऊँट की पीठ से बांध दिया जाता है और जब डरकर बच्चा रोता है तो ऊँट बहुत तेजी से भागते हैं और इस वैशी खेल के अंदर ज्यादातर वो बच्चे मारे जाते हैं। तेरे जैसे को तो इंसान कहलाने लायक नहीं रहना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि देखने वाले की रूह कांप उठे। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी गैंग के पास ऐसे और भी बच्चे होंगे क्योंकि पुलिस के पास ऐसी और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं बच्चे गायब होने की। हम लोगों के पास कुछ बच्चे हैं और अगले हफ्ते हम लोग उनको बाहरी मुल्क भेजने वाले हैं। कहाँ हैं वो बच्चे? मैंने पूछा कहाँ हैं वो बच्चे? सर, अगर हम लोग एक साथ अंदर गए तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। मैं अकेले अंदर जा रहा हूं श्रीवास्तव, और अगर आधे घंटे में मैं नहीं लौटा तो तुम्हें अटैक कर देना। ओके ओके श्रीवास्तव, चौकने रहना। ओके Yeah.
अरे बच्चों डरो मत, मैं आप लोगों को मारने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को बचाने आया हूं, मैं पुलिस हूं, पुलिस इंस्पेक्टर भारत है मेरा नाम। मैं आओ आप लोग मेरे पास। अरे अच्छा ये बात है, ये देखो मेरी बंदूक गायब, अभी आओ सब मेरे पास, आजो 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 आजो, ये हुई ना बात। अभी आप लोग सब अपने अपने मम्मी डैडी के पास जा सकते हो, आज के बाद आप सब आजाद हो।